हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बताने वाले हैं 6 बेसिक समर स्किन केयर टिप्स। टिप्स नंबर 1 है, समर्स में जब भी आप धूप के कांटेक्ट में आने के बाद आप ज़रूर अपने चेहरा धोए। मैं तो क्या करती हूँ, जब बहुत गर्मी होता है और मैं बाहर से आती हूँ तो वो पानी पे मैं थोड़ा सा फ्रिज का कूल वाटर भी उसमें ऐड कर लेती हूँ और मैं ऐसे चेहरे को डिप करती हूँ, जो बहुत ही फेमस है। ये आप सभी लोगों को पता है और ये आप नहीं भी करोगे तो भी आप चेहरे को पानी से स्प्लैश ज़रूर से कीजिएगा। इससे क्या होता है, धूप से जो भी आपको हार्म होता है स्किन को, वो उससे आपकी स्किन बचे रहेंगे, वो नुकसान आपकी स्किन को नहीं होगा। टिप नंबर 2 है, अगर आपकी स्किन के कोई भी एरिया में आपको सनबर्न हुआ है तो एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है सनबर्न के लिए। तो एलोवेरा जेल में जो कूलिंग इंग्रेडिएंट है जिससे आपकी स्किन के सनबर्न को प्रोटेक्ट करते हैं और इससे आपको एक बहुत सूदिंग वाला इफेक्ट आता है। इसीलिए सनबर्न की जो अफेक्टेड एरिया है उस पर आप एक बहुत थिन वाला लेयर एलोवेरा का लगा लीजिएगा। टिप नंबर 3 है, आप जो भी मॉइस्चराइजर, क्रीम, फाउंडेशन, नाइट क्रीम आप जो भी लगाते हो वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली हमेशा होना चाहिए। आप खुद की स्किन को अच्छे से परखिए और उसके अकॉर्डिंगली ही ये सब यूज़ कीजिए। टिप नंबर 4 है, समर्स में आप अपनी स्किन को हफ्ते में एक बार ज़रूर से एक्सफोलिएट कीजिएगा। कोई भी होममेड स्क्रब हो, इसमें मैं तो यूज़ कर रही हूँ जो राइस फ्लोर होता है, जो हम लोग राइस से बनाते हैं, तो उसमें आप 2 स्पून दूध मिला लीजिए और थोड़ा पिंच ऑफ हल्दी उसमें ऐड कर लीजिए और उसको क्लीन फेस में लगा लीजिए। 10 मिनट्स के लिए रोकिए, उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सूखने तक आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। जब 10 मिनट्स के बाद हल्का सूख जाएगा तो आपके हाथों में थोड़ा सा पानी लेना है और उसको थोड़ा सा डैम करके सर्क्यूलर मोशन पे आपकी स्किन को मसाज करना है, ताकि आपकी स्किन में समर्स में जितने भी डर्ट, धूल, मिट्टी जितना जमा होते वो सारा एक्सफोलिएट हो जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर से कीजिएगा, इसको हफ्ते में एक बार तो ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप मसाज करोगे तो आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि फेस के जो नाक के एरिया है, जहाँ पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होता है, उसमें भी बहुत अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। और यस, आप बहुत हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा और लिप्स के अराउंड आप कॉर्नर्स पे भी आप मसाज कर सकते हो, जहाँ पे आपको ब्लैक हेड और वाइट हेड होने का संभावना रहता है। इसके बाद देखिए, स्किन बहुत ही क्लियर होता है, बहुत ही क्लियर हो जाता है। और अगर ये प्रोसेस आप दिन में करोगे तो उसके बाद आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि स्क्रब करने के बाद स्किन थोड़ा सा पतला हो जाता है लेयर, तो उसमें बहुत आप सन के एग्जैक्टली डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में तो बिल्कुल भी मत आइएगा। इसीलिए ये प्रोसेस अगर मैं तो कहूँगी रात को कीजिए, अगर आप दिन में करेंगे तो प्लीज़ उसके बाद आप मॉइस्चराइजर और उसके बाद आप सनस्क्रीन ज़रूर से ही लगाइए। लिप्स को भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक्वालॉजिका का मेरा सन प्रोटेक्टेड जो SPF 17 वाला ये जो है लिप बाम, मैं ये समर्स में यूज करती हूँ, जिससे मेरा लिप भी प्रोटेक्टेड रहते हैं।
टिप नंबर 5, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने के लिए आप पपाया मास्क जरूर से लीजिएगा, लगाइएगा फेस में हफ्ते में 2 बार, इससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हट जाता है। बट मेरा स्किन ड्राई है और ड्राई स्किन वालों के लिए दही और हनी मिलाकर आप स्किन में लगाइए और इसको हफ्ते में 2 बार लगाइए। आप इसको जब भी लगाओगे दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करके उसके बाद इसको टोटली कम्प्लीटली सूखने दीजिएगा, क्योंकि दही और हनी जो बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट होता है स्पेशली ड्राई स्किन के लिए। और ये जब भी सूख जाएगा इसको थोड़ा सा पानी हाथ में मिला के इसको डैम कर लीजिएगा, देन अगेन ये जो सूखा हुआ मास्क है उसके ऊपर फेस में आप सर्कुलर मोशन में मसाज कर लीजिएगा, जिससे इसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। देखिए आप लोग के सामने ही मैं ये करके दिखा रही हूँ, स्किन में कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। ये एक्चुअली दही और हनी जो है ये जो समर्स में धूप में बहुत ज़्यादा जाने से एक ड्राइनेस वाला फील होता है ना स्किन में, उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो ड्राइनेस आपके स्किन को बिल्कुल भी नहीं फील होगा। तो ये बिल्कुल मास्क लगाना ना भूलें। जो हम लोग का टिप नंबर 6 है, जो सबसे लास्ट वाला टिप है, वो है समर्स में हम लोग को क्रीम लगाना मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही बोरिंग लगता है, क्योंकि बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी होता है। बट फिर भी आप मॉइस्चराइजर को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि समर्स में अगर आप मॉइस्चराइजर रेगुलरली लगाओगे तो आपकी स्किन हमेशा सॉफ्ट रहेगा। और अगर ये प्रोसेस को आप स्किप करोगे आपका एक ड्राइनेस बहुत रुकी रुकी सा त्वचा बन जाएंगे, तो इसीलिए समर्स में मॉइस्चराइजर लगाना रात को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिए। भले आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए जो मार्केट में अवेलेबल होता है, कोई लाइट मॉइस्चराइजर लगाइए, बट मॉइस्चराइजर जरूर से लगाइए फॉर योर सॉफ्ट लुकिंग स्किन। तो आप देख सकते हो मैं आपके सामने ही सारा वीडियो बना रही हूँ, तो स्किन में इफेक्ट तो जरूर से होता है। तो ये बहुत बेसिक सिंपल वाला प्रोसेस है जिसको आप अपना के देखिए, ये समर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और ये वीडियो मैं एक्चुअली घर पे आई हूँ, घर पे शूट कर रही थी तो पीछे बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, तो आई होप आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए सब लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू ऑल।